दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120 से 80 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा है तो यह हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम। कभी कभी व्यक्ति को काफी समय तक इसका पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में अनेक लक्षण सामने आने लगते हैं, जैसे सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, चक्कर आना, नींद ना आना, जरा सी मेहनत पर सांस फूलना, नाक से खून निकलना आदि इसके लक्षण है। ब्लड प्रेशर का एकमात्र कारण हमारा अनियमित जीवन और हमारे खाने पीने की आदतों में असावधानी है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक गंभीर बीमारी है और इसकी वजह से आपको कई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर से रोगी की याददाश्त पर भी असर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण, रोगी के सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रहने लगता है, तनाव होना, सिर में दर्द, सांसों का तेज चलना और सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में दर्द की समस्या, नींद ना आना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर को किन चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है। नमक का सेवन कम करें। आपको अपने आहार में नमक का सेवन कम करना चाहिए। अधिक नमक का सेवन हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। ऐसे आहार का सेवन ना करें जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। गुस्सा कम करें, अल्कोहल से दूर रहें, नियमित व्यायाम करें, अधिक से अधिक फलों का सेवन करें, मसाले, तेल, मांस, चाय और सिगरेट का सेवन ना करें।